नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है इस वक्त कुछ बड़ी खबरों का। खबर बिजनौर से है, जहां नहटौर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बनने के बाद ओम कुमार अपने गांव महेश्वरी जट आए, जहां उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं ग्रामवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक ओम कुमार का हार्दिक स्वागत करते हुए खुशी जताई। खबर सहारनपुर से है, जहां भारत निर्वाचक आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने की कार्रवाई आज शुरू हो गई है। उप जिला अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था लागू की है, जिसमें निर्वाचक नामावली को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि उसके लिए हमारे बूथ लेवल ऑफिसरों के माध्यम से सभी मतदाताओं से आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। ये आधार कार्ड स्वैच्छिक रूप से लिए जाएंगे, जबरदस्ती किसी से नहीं लिए जाएंगे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर एक महिला की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बीते 29 जुलाई को महिला को इलाज के लिए रामगढ़ के न्यू लाइट अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज हो रहा था, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से परिजन आगरा लेकर के गए और वहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना था कि महिला को ब्लड इन्फेक्शन हो गया था। इसके बाद परिजन न्यू लाइट हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इसका आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ब्लड उन्होंने ही चढ़ाया था। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, भाभी जी आई थी यहाँ पर खून चढ़वाने के लिए, तो इन्होंने एक तो इनका खून चढ़ाने का जो तरीका था वो इतना गलत था कि सुबह वही बोतल जो सुबह चढ़ाई थी और वही बोतल इन्होंने शाम को चढ़ा दी। किस जगह का मामला है? किस न्यू लाइट हॉस्पिटल के नाम से ये चैली की पुलिया इंडियन पेट्रोल पंप के रिक्शा में पड़ता है। क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत कुछ नहीं थी, वो 8 मंथ का पेट में बच्चा था उनके, और वो मतलब खून चढ़ाने के लिए आई थी। उन्होंने डॉक्टरों ने खून की कमी बताई थी, अल्ट्रासाउंड को खून की जब जांच की कराई थी उन्होंने, तो खून की कमी बताई थी। वो यहाँ पे आए खून चढ़ाने के लिए, और इन्होंने जो खून चढ़ाया वो एक तो सुबह चढ़ाया, जब सुबह रिजेक्शन हो रहा था तो शाम को चढ़ाना नहीं चाहिए था इनको। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, जब शाम को फिर उन्होंने जब फीवर आ गया, इन्होंने पहले तो कोई जाँच नहीं कराई खून चढ़ाने से पहले, ना जांच कराई ना कोई कुछ कराया, बस ब्लड ग्रुप लिया और ब्लड ग्रुप से ब्लड बैंक से जाके और ये अपना ब्लड ले आए और उन्होंने चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सबका मामला है। खबर बांदा से है, जहां पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके चपेट में आने की वजह से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इसमें एक पुलिस दीवान भी शामिल था। स्थानीय लोगों की मदद से घटना में घायल हुए अन्य लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उसमें दो लोग शहीद हुए, क्या बाइक से आ रहे थे, बहुत तेज रफ्तार से थी और पूरी शराब भी पी रखी थी, उसके जेब से भी बोतलें बरामद हुई, उनकी टक्कर एक हमारे हेड कॉन्स्टेबल जो भी थाना तिंदवारी में पहुंचे थे और वो हमने चौबीस थी, तो उनकी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहाँ दौरान इलाज। रुक करेंगे अगली खबर की, और अगली खबर आ रही है उन्नाव से, जहां भारत निर्वाचन आयोग आधार नंबर एकीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मतदाता सूची में आधार कार्ड सेटिंग का कार्य आज से पूरे देश में प्रारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ उन्नाव में डीएसएन कॉलेज में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे उन्नाव जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। ये मतदाता सूची में आधार कार्ड सीडिंग का कार्य 1 अगस्त से आज से प्रारंभ हुआ पूरे देश में। आयोग ने निर्णय लिया है कि सभी लोगों का मतदाता सूची में आधार नंबर भी लिए जाएँ, तो इसके लिए फॉर्म 6/6B जो है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, तो सभी BLO घर घर जाके इसको कलेक्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त आज और 7 तारीख को और 21 तारीख को विशेष अभियान की तिथि है, उस दिन BLO बूथ पर उपस्थित रहेगा। सामान्य दिनों में घर घर जाकर इकट्ठा करेगा, वही मतदाता उस अभियान तिथि को जाकर के विशेष रूप से बूथ पर BLO मिल सकता है। अगली खबर आ रही है बेतिया से, जहां साठी थाना क्षेत्र के रामेश्वर नगर हाल्ट और सिकरहना पुल के बीच एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
खबर फर्रुखाबाद से आई है, जहां पर जिलाधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष सीडीओ सहित अन्य अधिकारियों ने गौशाला का निरीक्षण किया और इस दौरान गौशाला में पर्याप्त मात्रा में गोवंशों की खाद्य सामग्रियां रही। इससे पहुंचे अधिकारियों ने प्रसन्नता जाहिर की और पशुधन सहभागिता योजना के अंतर्गत 5 गौपालकों को गाय दान किया। खबर है समस्तीपुर से, जहां पर आज मजदूरों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया, जिसके तहत मजदूरों ने भारी संख्या में स्टेशन चौक पर पहुंचकर अपना विरोध जताया। और इसके अलावा मजदूरों का कहना है कि एक ओर बढ़ती महंगाई से देशवासी परेशान हैं, तो दूसरी ओर देश की रक्षा के लिए सीमा पर बहाल होने वाले सैनिकों का निजीकरण किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ लिखने बोलने संघर्ष करने वाले को जेल में डाला जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए मजदूरों ने 11 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा और कार्रवाई की मांग की। खबर है गुना से, जहां पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया के निर्देश पर जिला अध्यक्ष राजेश राजपूत के नेतृत्व में अधीर रंजन का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसका देश भर में व्यापक विरोध हो रहा था। हालांकि रंजन ने लिखित रूप से राष्ट्रपति से माफी भी मांगी थी। खबर शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके तहत पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है और इसमें 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में असलहे और लूट की सामग्रियां बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि ये कई लुटेरे बाइकों की लूट करने के बाद उसे कई हिस्सों में काटकर बेचते थे। पकड़े गए अपराधियों ने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक बड़ी घटना को अंजाम भी दिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। ये बीते कुछ दिनों में इस गैंग के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं कारित की जा रही थी, जो लगता था ऐसा कि अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, जैसे एक पेट्रोल पंप पे इनके द्वारा 2 लड़कों के द्वारा फायरिंग की गई अनावश्यक, इसी प्रकार एक लड़के के साथ मारपीट की गई अनावश्यक, तो इस पर इस गैंग के बारे में गहनता से छानबीन की जाने लगी कि ये एक ठीक ठाक लड़कों का गैंग लगता है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो जब इस पर काम होने लगा तो एक मदनापुर की घटना, जो जिसमें एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो कलेक्शन एजेंट था उससे ले लिया गया था और उसका मोबाइल फोन भी ले लिया गया था, इसको वर्कआउट करते करते ये बात संज्ञान में आई कि इनका ठीहा यहाँ शहबाज नगर क्षेत्र में थाना सदर बाजार के अंतर्गत एक सुनसान सा मकान है, वहाँ ये अक्सर रात में इनकी लोकेशन आती है। तो इस आधार पर इसको प्लान किया गया SOG द्वारा और सदर बाजार पुलिस द्वारा, और वहाँ पर जब ये लोग पहुँचे गिरफ्तारी के लिए तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी में फायर किया गया। पुलिस ने बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए इनको वहाँ आवश्यक। खबर अमरोहा से सामने आई है, जहाँ सावन मास के तीसरे सोमवार को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिव मंदिर प्रांगण में चामुंडा माता का हवन कर प्रसाद वितरण किया गया। वहीं शिव भक्तों ने भी बड़ी तादाद में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। चौधरी गुरमीत सिंह, ग्राम पिटखेड़ा। आज हमारे गांव में सावन के तीसरे सोमवार को माता चामुंडा देवी के प्रांगण में हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी ग्रामीण वासियों ने भाग लिया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए KK News।